पहले काम हुआ था। अभी देख रहे होंगे शहर में जितना भी शहर के विकास के लिए कुछ भी अगर हुआ है हम ही लोग के द्वारा किया गया। हम लोगों ने संबंध बनाया है पूरा शहर से, हर कास्ट हर मजहब हर समाज के लोगों से हमने अपना संबंध वार्ड से बिलोंग करता हूँ। 43 नंबर, अच्छा 43 नंबर वार्ड का रुझान क्या है? हर तरफ गली गली प्रियम देवी की बिहार चली, वही व्यक्ति समाज को सही दिशा निर्देश दे सकता है जिसे भूत की अनुभूति, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य का सपना हो, ये तीनों चीज गुण प्रियम देवी में मौजूद है। हर तरफ गली गली प्रियम देवी की बिहार चली, क्या बात है, कभी है क्या? बहुत अच्छा स्थिति रहेगा, लोग सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसके पीछे इनके पिछले कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे गरीबों के लिए वंचित लोगों के लिए काम किया है जो लोगों को भा रहा है, और इस बार इन्हीं के पक्ष में सारे लोग हमारे मोहल्ले में और अगल बगल सारे लोग मतदान करने के विचार बना लिए। व्यवहारिकता है, इसके बाद इसके पहले कार्यकाल में काम की है, जैसे हाई मास्क शहर में लगा है, इन्हीं का दिया हुआ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, चलन शौचालय का इन लोगों ने निर्माण कराया जो आज के कार्यकाल में वो सड़ रहा है। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि प्रियम जब अगर आएंगी तो फिर ये चलन शौचालय का फिर से हम लोग माने इस जितना भी व्यवस्था है सब होगा। सबसे मिलजुल करके रहते हैं, आना जाना हो सब जगह होता है, सबसे ये नहीं कि घर में जा करके बैठ गए, इसलिए हम लोग जो है कि नहीं इनको सपोर्ट करते हैं और पूरा एकदम परिवार के साथ। हाँ, पूरा परिवार के साथ, ये बात नहीं है कि हम ही ये करेंगे और परिवार को लोग नहीं देंगे। अत्याचार और अत्याचारी उसको ख़त्म करने का वोट है इस वार्ड का वोट, अच्छा शहर को बनाने का, सुंदर स्वच्छ बनाने का वोट है। तो प्लीज़ मैं सभी जनता से अनुरोध करूंगी कि आप प्रियम देवी को वोट करें। आप देख रहे हैं समृद्धि न्यूज चैनल और मैं हूँ अशोक तिवारी। लगातार जनसंपर्क करते करते हर गली मोहल्ले में हर वार्ड में जा जाकर प्रियम देवी और सुनील कुमार लगातार लोगों से जनसंपर्क बना रहे हैं और जो भी समस्या है उस समस्याओं को समझने की कोशिश कर रहे हैं। लोगों में बहुत तरह लोगों ने समस्या दिखाया यहाँ पे और तमाम समस्याओं से निजात दिलाने के लिए ये लोग आश्वासन भी दे रहे हैं। वार्ड नंबर 18 में ये लोग हैं और यहाँ के कुछ लोग हैं, इन लोगों से हम बात करेंगे। वार्ड 18 नंबर वार्ड से है, क्या लगता है आपके वार्ड नंबर 18 में क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है 18 नंबर वार्ड में। बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, प्रियम देवी और सुनील यादव भी लगातार घूम रहा है लोग, इन लोगों का क्या पोजीशन है यहाँ? 18 नंबर वार्ड में इनका, सुनील यादव का अच्छा पोजीशन है, हम लोग तो इन्हीं को वोट देंगे। हाँ, 18 नंबर वार्ड से साथ आप लोग हैं? हाँ हाँ। आप वार्ड नंबर 18? मैं 43 नंबर वार्ड से बिलोंग करता हूँ। 43 नंबर, अच्छा 43 नंबर वार्ड का रुझान क्या है? हर तरफ गली गली प्रियम देवी की बिहार चली, वही व्यक्ति समाज को सही दिशा निर्देश दे सकता है जिसे भूत की अनुभूति, वर्तमान का ज्ञान और भविष्य का सपना हो, ये तीनों चीज गुण प्रियम देवी में मौजूद है। हर तरफ गली गली प्रियम देवी की बिहार चली, क्या बात है, कभी है क्या? नहीं, कभी नहीं है, सामाजिक कार्यकर्ता है। अच्छा, क्या लगता है, चूंकि आप लोग भी इनके साथ घूम रहे हैं? प्रियम देवी के साथ किसी की लड़ाई नहीं है, मैच एक तरफा होने जा रहा है। बिल्कुल मैच एक तरफा है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। यहाँ वार्ड नंबर 18 से और कोई? आपका नाम? जी, पवन कुमार जी नाम हुआ। वार्ड नंबर 18 में। क्या वार्ड नंबर 18 में मैडम घूम रही है, क्या कहेंगे, क्या स्थिति है यहाँ? बहुत अच्छा पोजीशन है मैडम का, हर तरफ तो हम लोग देख रहे हैं, जहाँ भी जा रहे हैं वहाँ मैडम का बहुत अच्छा है। हम लोग का तो मोहल्ला ही है, हम लोग सारे लोग सपोर्ट कर रहे हैं। मोहल्ला में क्या स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति रहेगा, लोग सपोर्ट कर रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, क्यों सपोर्ट कर रहा है? इसके पीछे रीजन? इनके पिछले कार्यकाल को लोगों ने देखा है कि पिछले कार्यकाल में इन्होंने बहुत सारे अच्छे अच्छे ऐसे गरीबों के लिए वंचित लोगों के लिए काम किया है जो लोगों को भा रहा है, और इस बार इन्हीं के पक्ष में सारे लोग हमारे मोहल्ले में और अगल बगल सारे लोग मतदान करने के विचार बना लिया है। जी, अच्छा, कुछ लोगों का कहना है कि नहीं, जब ये मेयर थी इन्होंने काम नहीं किया है, और आप कह रहे हैं कि काम किया है, क्या कहेंगे आप? नहीं नहीं, हम लोग के तो तरफ से हर कोई कह रहा है कि नहीं, उन्होंने बहुत अच्छा काम किया था, और इन्हीं के मार्गदर्शन में आगे भी बहुत अच्छा काम होगा, लोग विश्वास कर रहे हैं। यानी कि जो लोग कर रहे हैं वो अपोजिट दल का होगा? जी, हो सकता है अपोजिट का, हम लोग तो जनता है, हम लोग इनके साथ। आप वार्ड नंबर कितना है? हम लोग वार्ड नंबर 43 है। 43 के है, अच्छा, वार्ड नंबर 18 से और कोई है? जी। आपका नाम क्या हुआ? सरोज कुमार सिंह। सरोज सिंह, क्या कहेंगे, वार्ड नंबर 18 में क्या पोजीशन है? वार्ड नंबर 18 में पूरा झारखंड माने प्रियम देवी का वोट माने जा रहा है। प्रियम देवी को दे जी, हाँ, पूरा 18 का, जितने भी 18 के जनता है, सब लोग माने पूरा माने प्रियम जी के वोट देने का मन बना लिया है। अच्छा, चर्चा क्या हो रही है कि प्रियम देवी और सुनील यादव के वोट वार्ड नंबर 18 से मिल रहे हैं, तो इसके पीछे चर्चा हो रही होगी, क्यों उनको देना है? बहुत सारे प्रत्याशी खड़े हैं, क्या चर्चा? सुशील स्वभाव, सरल स्वभाव के सुनील बाबू हैं, उनके वाइफ ही माने बहुत
बढ़िया कार्य भी की हैं, तो इसके वजह से इनको मैंने वोट दिया जाए। अब की बार व्यवहारिकता का परीक्षण हो रहा है, व्यवहारिकता है। इसके बाद इसके पहले कार्यकाल में काम की है, जैसे हाई मास्क शहर में लगा है, इन्हीं का दिया हुआ है, CCTV कैमरा लगा हुआ है, चलन शौचालय का इन लोगों ने निर्माण कराया जो आज के कार्यकाल में वो सड़ रहा है। फिर हम लोग सोच रहे हैं कि प्रियम देवी अगर आएंगी तो फिर ये चलन शौचालय का फिर से हम लोग माने इस जितना भी व्यवस्था है सब होगा। आपका आप वार्ड नंबर कितना है? 45 है बड़े भाई। आपका? हम सर वार्ड नंबर 42 से हैं। 42 है जी। अच्छा 42। अच्छा ना ठीक है, आइए। तो 42 नंबर वार्ड में क्या स्थिति है? बहुत अच्छा स्थिति है, इसलिए कि हम लोग राजपूत हैं भाई, और सुनील जी के जात पात से मतलब नहीं है। कोई भी गया काम बिना पूछे ले आइए, बस प्रति राजपूत वर्ग के लोग भी वोट दे रहे हैं इनको। टोटल एकदम माने माने लेकिन परंतु नहीं, लेकिन परंतु नहीं जी ना, एकदम पर जीता के मानिए निश्चित एकदम। प्रियम देदी जिंदाबाद जिंदाबाद। आपका नाम क्या हुआ बाबा? राम किशोर सिंह। वार्ड नंबर? वार्ड नंबर 18। आप भी 18 के हैं? हाँ हाँ। अच्छा ये बताइए, ये छोड़ दीजिए, ये बताइए कि प्रियम देवी का वार्ड नंबर 18 में क्या स्थिति है? बहुत बढ़िया स्थिति है। हाँ। देखिए रहे मोहल्ला के सारे लोग जो है कि नहीं इनके साथ घूम रहे हैं। अच्छा, कारण क्या है आखिर? कारण है जे ये साफ सुथरा छवि है। हाँ। और ये सबसे मिलनसार व्यक्ति है, कम उनके हस्बैंड जो है कि नहीं, अरे वो तो महिला है, महिला देखते ही है, वो सबसे मिलजुल करके रहते हैं, आना जाना हो सब जगह होता है, सबसे ये नहीं कि घर में जा करके बैठ गए, इसलिए हम लोग जो है कि नहीं इनको सपोर्ट करते हैं और पूरा एकदम परिवार के साथ। हाँ पूरा परिवार के साथ, ये बात नहीं है कि हम ही ये करेंगे और परिवार के लोग नहीं देंगे। वार्ड नंबर 18 में तमाम लोग हैं जो इनके साथ हैं। जी हाँ। आपका नाम क्या हुआ? आशुतोष। आशुतोष जी वार्ड नंबर कितना है? 18। 18 है अभी? 18 के जी। क्या वार्ड नंबर 18 में आप लोग तो घूम रहे हैं, युवा है, युवाओं की फौज किधर अब की बार जा रही है, क्या कहेंगे? भैया के साथ हैं। किसके साथ? सुनील भैया के साथ। अच्छा क्यों इनके साथ है? क्यों इनके साथ? इनका अच्छा काम रहता है, इनका काम अच्छा है, बिल्कुल व्यवहार भी पीछे अच्छा भी है। पीछे भी काम कर चुके रह हाँ। चुके हैं और पहले भी मेयर रह चुके हैं। हाँ। इनको जानते हैं भली बात, बिल्कुल जानते। लगता है कि प्रियम देवी चुनाव जीतती है तो विकास करेंगी? बिल्कुल विकास भी देंगी, काम भी करेंगी। तो देखिए विश्वास, लोगों का विश्वास है, और सबसे बड़ी चीज़ है कि व्यवहार का परीक्षण हो रहा है। आप किस टाइप के हैं वो टाइप का निरीक्षण चुनाव में होता है, क्योंकि सब लोग चाहते हैं कि वैसा ही प्रतिनिधित्व करने वाले लोग हमारे नगर निगम का अध्यक्ष बने या मेयर बने, ताकि हम उससे आसानी से मिल सके और अपनी समस्याओं को बता सके। कोई ये नहीं चाहता है कि वैसे लोगों के साथ हम जाएं जहां पे उनसे मुलाकात ही ना हो, चाहे उनका व्यवहार अच्छा ना हो, क्योंकि व्यवहार का परीक्षण होगा ही, नो डाउट। जैसे कि लोगों का कहना है कि सुनील यादव का जो व्यवहार है कहीं ना कहीं इनकी पत्नी प्रियम देवी को बेनिफिट दे रहा है, और प्रियम देवी पढ़ी लिखी महिला है, लगातार जनसंपर्क कर रही है, लोगों से मिल रही है, और जिस तरह का प्रियम देवी में एक विश्वास झलक रहा है कि नहीं यदि हम मेयर बनते हैं, चूँकि पहले भी मेयर रह चुकी है, हालांकि कार्यकाल बहुत कम समय का रहा, 2 साल का ही कार्यकाल रहा, कम समय में भी इन्होंने प्रयास किया था और बहुत तरीके से इन्होंने ढांचा बुनियाद खड़ा किया था, लेकिन समय नहीं मिला, दुर्भाग्य कहा जाए। लेकिन जनता से मांग कर रही है, तमाम नगर निगम के लोगों से मांग कर रही है कि हमें एक बार फिर से चांस दिया जाए, ताकि हमारे जो अधूरे सपने हैं वो पूरा हो सके, जो हमने प्लानिंग किया था, जो रोड मैप तैयार किया था, उसको धरातल पर ला सके। प्रियम देवी है इस वक्त, जानेंगे कहाँ कहाँ घूम ली अभी तक आप तो लगातार हर वार्ड में दो दो तीन तीन बार लगभग घूम चुकी होगी अभी तक। आरा नगर निगम की सभी जनता को मैं चरण छूकर प्रणाम करती हूँ। हाँ लगभग पूरा हो चुका है आज, अब मैं अभी 18 नंबर 18 में रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? बहुत हर वार्ड में बढ़ चढ़ कर लोग हमारा साथ दे रहे हैं, अगर ये साथ अगर वोट के रूप में परिवर्तित हो जाए तो बहुत बड़ी बात है। जब लोग खुल के आपके साथ हैं तो निश्चित तौर से वोट में परिवर्तन भी होगा। बहुत सारे अधूरे काम आपके अभी रह गए हैं जो आप प्रयास कर रहे हैं कि उसको पूरा करना है। एकदम हम तो विश्वास ही दिला रहे हैं कि एकदम एक इस बार ओपन चुनाव है, तो प्लीज़ जनता मुझे चुने और मुझे वोट करें। मैं बताना चाहूँगी कि इस बार का वोट नगर निगम के विकास का वोट है, इस बार का वोट भ्रष्टाचार के मिटाने का वोट है, इस बार का वोट अत्याचारियों को ख़त्म करने का वोट है, इस बार का वोट अच्छा शहर को बनाने का, सुंदर स्वच्छ बनाने का वोट है। तो प्लीज़ मैं सभी जनता से अनुरोध करूँगी कि आप प्रियम देवी को वोट करें। चलिए बहुत सुंदर। मात्र पाँच दिन रह गए हैं प्रचार प्रसार का, उसके बाद से शायद प्रचार प्रसार बंद हो जाएगा। 28 को मतदान है और 28 तारीख को मतदान देने के पहले आप तमाम जितने भी आरा नगर निगम के लोग हैं उन लोगों से हम आग्रह यही करेंगे कि वोट देने के पहले एक बार ये जरूर सोच ले कि विकास कौन कर सकता है,
जाति धर्म से परे हटके और जो विकास करने में सक्षम हो उसी का साथ दे, जाति को नहीं और रिश्तेदारी को नहीं। देखिए सुनील यादव जी हैं और बहुत ही निहायती कर्मठ व्यक्ति हैं, सामाजिक व्यक्ति हैं और इनके व्यवहार की चर्चा शहर में हुआ करती थी। लगातार जहां भी हम बात करते हैं उन लोगों से पता चलता है, वो लोग कहते हैं कि नहीं सुनील यादव का व्यवहार अच्छा है। तो व्यवहार अच्छा है और जिस तरह ये अपने पत्नी का सपोर्ट कर रहे हैं, हम तो देख रहे हैं जहाँ भी जा रही है प्रियम देवी अकेले ही जा रही है, सुनील यादव नहीं दिखते हैं। आज संयोग से मिल गए तो हम कुछ बात करना चाहेंगे, कैसे है सर? सबसे पहले समृद्धि न्यूज़ चैनल के सभी दर्शकों को मैं प्रणाम करता हूं, हमारे आरा नगर निगम के सभी मतदाता भगवान रूपी जनता को मैं प्रणाम करता हूं। बहुत अच्छा माहौल है और इसका कारण है कि हम लोगों ने 7 साल जनता का सेवा किया है। हमने 7 साल जब मेयर रहा बहुत सारे विकास के काम किए हैं जो अभी दिख रहा है। हमारे बाद ना काम हुआ था ना हमारे पहले काम हुआ था। अभी देख रहे होंगे शहर में जितना भी शहर के विकास के लिए कुछ भी अगर हुआ है हम ही लोग के द्वारा किया गया। हम लोगों ने संबंध बनाया है पूरा शहर से, हर कास्ट हर मजहब हर समाज के लोगों से हमने अपना संबंध उस समय बनाया और उसको निभाया है। हमारे वार्ड में भी आप देख लीजिएगा, पहले हम लोग वार्ड से जीत के आते थे मेयर बनते थे, लेकिन सरकार ने इस बार जो नियम लागू किया है ये बहुत ही अच्छा है और इससे शहर का भलाई होगा। अच्छा एक बात बताइए सुनील जी, कहीं ना कहीं पहली बार इस तरह का मौका मिला है कि घर घर जाके लोगों से मिलने का, अनुभूति कैसा हो रहा है और क्या क्या समस्याएं सामने आ रही है, क्या बताएंगे? देखिए हम लोग कभी बैठते हैं साथ में तो बात करते हैं तो मैडम कहती हैं कि ये तो बहुत अच्छा हो गया कि हम लोग जा रहे हैं हर जगह देख रहे हैं कि यहाँ क्या दिक्कत है और क्या हम लोग करना है। पहले जो पार्षद कहते थे रोड बना हुआ है ढलाई के ऊपर ढलाई जो भी होता था हो जाता था, लेकिन अभी हम देख रहे हैं क्या दिक्कत है और हम लोग को काम करने में इसमें मन लगेगा, समस्या क्या है उसको निजात दिलाएंगे ताकि हम फिर आएं तो लोग कहें कि नहीं इनको हमने वोट दिया तो गलत नहीं किया, सही चुनाव किया है। 28 को मतदान है, तमाम लोग आपको देख रहे हैं, आरा नगर निगम की तमाम जनता आपको देख रही है, क्या अपील करना चाहेंगे और क्या कहेंगे? भगवान रूपी जनता से हम यही अपील करना चाहेंगे कि आपका वोट बहुत ही बहुमूल्य है, इसको सोच समझ के दे, अपराध और अपराधियों को मिटाने के लिए वोट दे, भ्रष्टाचार मिटाने के लिए वोट दे और आरा को विकसित और विकासशील नगर निगम बनाने के लिए वोट दें। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार जनसंपर्क हो रहा है और वार्ड नंबर 18 में प्रियम देवी आई हुई हैं, सुनील यादव भी आज इनके साथ हैं और जिस तरह वार्ड नंबर 18 की जनता तो छोटे छोटे बच्चे भी घूम रहे हैं, बहुत इंजॉय कर रहे हैं बच्चे और जिस तरह का एक जनसैलाब प्रियम देवी के साथ देखने को मिल रहा है ऐसा प्रतीत हो रहा है कि नहीं कहीं ना कहीं लोग इनके पक्ष में हैं, इनके साथ हैं और कुछ नया करने के लिए सोच रहे हैं। तो देखते रहिए समृद्धि न्यूज़ चैनल, लगातार खबरों को दिखाते रहेंगे। कैमरा पर्सन